तो भाई आज ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने गेमिंग चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ कैसे लाएं, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे जो भाई लोग हैं उनका गेम प्ले काफ़ी बढ़िया है गाइस, और मतलब वो काफ़ी अच्छे गेम प्ले कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे एडिटिंग भी कर लेते हैं, बट उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, उनके चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे इंक्रीज़ करना है, इस ग्राफ को कैसे आपको ऊपर ले जाना है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो या फिर एक सेकेंड पबजी बैन हो चुका है, पबजी नहीं खेल सकते आप, BGMI खेलते हो या फिर फ्री फायर खेलते हो या COD खेलते हो या फिर कोई सा भी अदर गेम खेलते हो, तो अगर आप उनसे रिलेटेड कंटेंट बनाते हो अपने YouTube चैनल पे, तो आपको व्यूज़ कैसे लाने, आपको अपना YouTube चैनल ग्रो कैसे करना है, उसकी मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस जिस YouTube चैनल ने रिसेंटली ग्रो किया है, यानी कुछ ही महीने हुए हैं और मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं गेमिंग चैनल ने, ठीक है, तो उसके गेमिंग चैनल पे जाओ, उसके सारे टैग वगैरह कॉपी करो, और हाँ टैग वगैरह कॉपी करने के आपको YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस पहले से ही हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आपको कैसे यूज़ करना है, तो उन वीडियोस के जो हाल ही में YouTube ने रिसेंट किया है उसकी वीडियोस के टैग वगैरह कॉपी करके अपनी वीडियो में लगाओ, ठीक है, जो हाल ही में ग्रो किया है उसके, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चले जाना है YouTube स्टूडियो में, अगर आप YouTube चैनल चलाते हो तो आपके पास ये तो होगा ही, ठीक है। तो आपको चले जाना है यहाँ पे एनालिटिक्स में, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो सकता है, तो आपको यहाँ पे जाना है रीच में, ठीक है। तो रीच में जाके आपको ज़्यादा है यहाँ पे टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कंटेंट, ठीक है। तो इन पे आपको ज़रूरी नहीं है ये वीडियोस आपका, जो आप फ्री फायर पे वीडियो बनाते हो, पबजी पे वीडियो बनाते हो या फिर मतलब किसी भी गेमिंग की गेमिंग रिलेटेड वीडियो बनाते हो उनसे रिलेटेड हो, ये कुछ अलग ही हो सकते हैं, तो आपको इनका जो टैग है, जो हैशटैग है, जो @ है, उस सबको कॉपी कर लेना है, जैसे ये देखो मैं वीडियो चला के, सॉरी भाई सॉरी यार वीडियो नहीं दिखा सकता, ठीक है, और मेरे चैनल पर कॉपीराइट आ जाएगा और मैं कॉपीराइट फेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को भी कॉपीराइट को अवॉइड करना है, ठीक है, ये भी एक फैक्ट हो सकता है, आप लोग को कॉपीराइट अवॉइड करना है, जो कॉपीराइट होते हैं ना आपके चैनल पे अगर पड़ जाता है तो आपके चैनल का जो ग्रोथ हो जाता है ना, ग्रोथ होता है ना वो डाउन कर देता है, ठीक है, मतलब ग्रो तो होगा बट उस स्पीड से नहीं होगा जिससे पहले होता था, मतलब कॉपीराइट ऐसा किया करो कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज़ किया करो, अपना खुद का कंटेंट पोस्ट किया करो, ठीक है। तो जो आपकी नेक्स्ट थिंग है ना वो ये है कि ट्रेंड के साथ चला करो, ठीक है, जैसा भी आपकी कम्युनिटी में वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, जैसा भी बड़े बड़े क्रिएटर आपकी कम्युनिटी में वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया करो, ऐसा नहीं है कि भाई उन्हीं का वीडियो उठा के पटक दिया, तो ऐसा नहीं करना है, अपना तरीके से उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करके चलोगे, जैसे बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करोगे उनका वीडियो को मॉडिफाई करके, सेम टू सेम मत करना, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उन्हीं के जैसा वीडियो सिमिलर, ठीक है, जो होता है लेकिन अपना कंटेंट होना चाहिए, उनका नहीं करना, ठीक है। तो भाई ये करना है आपको, तो भाई आई होप जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको वो आप लोग फॉलो करोगे, अगर आप फॉलो करते हो तो गाइस आपका यूट्यूब चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगेगा, ठीक है, आपको रिजल्ट दिखने लगेगा गाइस, बस आप लोग फॉलो करना, ठीक है, ट्रस्ट करो गाइस मेरे पे, मैंने भी ये सब फेस किया है गाइस, मैं भी जानता हूँ भाई ये सब बातें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो भाई मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और मैं फ्री फायर खेलता हूँ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, तो करते हैं ना यार लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।